और इस वक्त एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां रेलवे ट्रैक पर रील बनाते वक्त हादसा हो गया। रील बनाते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई है, एक युवती, 2 युवकों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे ये तीनों, जिस दौरान ये हादसा हुआ, तीनों की मौत हो गई, इसमें एक युवती और 2 युवक बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से, रेलवे ट्रैक पर रील बनाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद खबर है। लेकिन रील बनाते वक्त 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक युवती और 2 युवक शामिल। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार ये हिदायत दी जाती है कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन आप देखिए कि रील बनाना कितना भारी पड़ गया कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की जान चली गई, इसमें एक युवती भी शामिल है। पीयूष गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये हादसा कब हुआ, इस मामले में और जो भी डिटेल है साझा कीजिए। देखिए, ये मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी जो क्रॉसिंग है उसका सारा मामला है, जहां देर रात एक युवक, 2 युवक और एक युवती रील बना रहे थे। तब ये माना यही जा रहा है कि ये वहां पर रील बनाने के लिए गए थे, तब ये ट्रेन की चपेट में आ गए और एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गए, जिनमें इन तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस तरीके से ये मामला सामने आया है। पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, पर इनमें से शिनाख्त करने के दौरान इनके पास से किसी भी आईडी का ना होना पाया गया है, तो अभी तक शिनाख्त इनकी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पर वहां एक सुनसान इलाके में, वो एरिया ऐसा है जहां बिल्कुल खाली रहता है, तो वहां ये रील बनाने के उद्देश्य से ही गए थे या कोई और मामला था, इस विषय में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जी, और धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि क्या रील बनाते वक्त ही हादसा हुआ है या इसका कारण कोई और रहा। लेकिन ये दुखद हादसे की खबर गाजियाबाद से आई है, जहां रेलवे ट्रैक पर ये हादसा हुआ है, इसमें 2 युवक और एक युवती की मौत हो गई।